दोस्तों, पृथ्वी पर ऐसी कई चीजें हैं जिसे देखकर हम आश्चर्यचकित हो जाते हैं। अब चाहे वो कोई इंसान हो या जीव जंतु, और चाहे कोई साइंस से रिलेटेड कोई रिसर्च हो। दोस्तों, एक पल को तो हमें ऐसा लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। दरअसल दोस्तों, इस समय हम बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी में चल रहे हैं, तो कुछ असंभव नहीं है। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि सालों पहले इस धरती पर क्या होता होगा? अगर कोई जीव होगा तो वो कैसा होगा, या पहले की दुनिया कैसी दिखती होगी? तो दोस्तों, आज हम आपको ऐसे जीवों से मिलाना चाहेंगे जो करोड़ों साल पहले विलुप्त हो चुके हैं। दोस्तों, ये तो आपको पता ही होगा कि जिंदा रहने के लिए कोई टेक्नोलॉजी काम नहीं आती, उसके लिए लड़ना ही पड़ता है। दोस्तों, आज से करोड़ों साल पहले भी अपना पेट भरने के लिए ऐसे ही झगड़े हुआ करते थे। लेकिन दोस्तों, आज के मुताबिक पहले के जानवर भी तो विशालकाय हुआ करते थे। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं ऐसे बड़े और शक्तिशाली जीव की जिन्हें टीरेक्स और आईरेक्स के नाम से नवाजा गया है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि पहले इस धरती पर इन लोगों का राज चलता था? वो तो हमारी किस्मत अच्छी है जो इस धरती पर अब ये नहीं रहते। लेकिन अगर ये दोनों इस समय होते तो हमें अपना डिनर बनाने के लिए आपस में लड़ते। लेकिन इनमें से किसका शिकार हम बनते, ये इनकी जीत पर डिपेंड करता है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज पहले सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपके सब्सक्रिप्शन भी हमें बेहद आ सकता है। दोस्तों, इनकी जीत की तुलना हम तब तक नहीं कर सकते जब तक इन दोनों की फिजिकल स्ट्रेंथ के बारे में बात ना कर लें। शुरुआत करते हैं टायरानोसॉरस रेक्स से, यानी टीरेक्स से। दोस्तों, टीरेक्स, इसका लैटिन भाषा में अर्थ होता है राजा प्रजाति का। इस विशालकाय मांसाहारी की लंबाई 40.7 फीट से अधिक बढ़ती रहती है, और वहीं इसका वजन 9.78 टन तक हो सकता है, और इसकी हाइट तकरीबन 12 फीट तक की हो सकती है। दोस्तों, माना जाता है कि डायनासोर की प्रजाति में टीरेक्स को सबसे बड़े शक्तिशाली और मुर्दाखोरों में गिना जाता था। इसके 12 इंच लंबे पैने दांत होते थे जो किसी भी शिकारी जानवर को पल भर में काटने और मारने के लिए सक्षम थे। दोस्तों, टीरेक्स की सूंघने की क्षमता सभी शिकारी जानवरों में सबसे अधिक हुआ करती थी, और ये सबसे ज्यादा झगड़ालू स्वभाव के भी होते थे जो अपने इलाके में किसी की भी मौजूदगी को नापसंद करते थे। दोस्तों, अब बात करते हैं दूसरे पहलू पर, मतलब इंडोमाइनस रेक्स यानी आईरेक्स की। दोस्तों, आईरेक्स का डीएनए थेरोपोड डायनासोर की अन्य प्रजातियां जिसमें वेलोसिराप्टर और टायरानोसॉरस रेक्स के साथ मिलता जुलता है। आईरेक्स को सबसे बुद्धिमान मांसाहारी जानवर कहा जाता था। इसके शरीर की बनावट एक फाइटर डायनासोर की तरह है। दोस्तों, आईरेक्स के पास 74 टीथ हुआ करते थे जो बेहद ही नुकीले और अंदर की तरफ मुड़ा हुआ करते थे, जो किसी भी जानवर को अगर पकड़ ले तो उसका मरना स्वाभाविक है। दोस्तों, 8 से 9 फीट टन वजनी आईरेक्स लगभग 40 फीट ऊंचा होता था, जो टीरेक्स के लगभग बराबर ही होता है। अब जरा सोचिए कि ये दोनों ही जानवर किसी बात में आपस में कम नहीं है। अब ये दोनों आपस में भिड़ते हैं तो किसकी जीत होगी, और ये कहना थोड़ा मुश्किल होगा। लेकिन दोस्तों, जब ये लड़ते हैं तो अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए जोर जोर से दहाड़ते हैं और एक दूसरे को नीचे गिराने का प्रयास भी करते हैं। लेकिन जब इनकी लड़ाई अपने रौद्र रूप में आती है तो ये एक दूसरे पर जानलेवा हमला शुरू कर देते हैं। हालांकि दोस्तों, हॉलीवुड की जुरासिक वर्ल्ड मूवी में इन दोनों की फाइट में आईरेक्स को विजेता दिखाया गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि आईरेक्स एक बुद्धिमान जानवर था जिसे ये पता था कि इंसान उनके लिए खतरा नहीं है, और टीरेक्स किसी भी इंसान को पसंद नहीं करता था, इसलिए जीत हमेशा सत्य की होती है। अब मेरे हिसाब से तो अगर इन दोनों की लड़ाई होती है तो टीरेक्स ही विजेता होगा, क्योंकि वो मेरा फेवरेट है। अब आपके हिसाब से इनमें से कौन विजेता होगा और आपका कौन सा जानवर फेवरेट है, ये हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।